रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में जल्द ही सिंगिंग टैलेंट सर्च आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर युवाओं ने प्रयास शुरू कर दिया है। रोहतास के डेहरी में एक निजी होटल में 100 से जुड़े लोगों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि भोजपुरी संगीत संग्राम सीजन 2 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के संगीतकारों को मौका दिया जाएगा। अविवा क्यूर नामक एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा यह प्रायोजित है। इस शो में बिहार के कई नामी ग्रामीण सिंगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस शो के निर्देशक और प्रोड्यूसर अविनाश तिवारी और विभा ने बताया कि गांव के कस्बों में छुपी हुई प्रतिभा को निखार कर उसे मंच प्रदान करना कार्यक्रम का उद्देश्य है, और कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए इस शो को ऑनलाइन ऑडिशन भी जल्द शुरू किया जाएगा। रोहतास से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। के बारे में बता दूं, भोजपुरी संगीत महासंग्राम का ऑडिशन 21 जनवरी 2021 को शुरू होने जा रही है, और ये एक ऐसा शो है जिसमें हर मतलब हिंदी भाषी क्षेत्रों से हर कोने से लोग इससे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट इसमें हिस्सा लें। हमारा मकसद सबसे बड़ी ये है कि हर वो रूरल एरिया को हम फोकस करें जहाँ पर आज के पहले कभी ऑडिशन नहीं हुआ है, वहाँ से लोग आएँ और अपने टैलेंट को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखाएँ। तो भोजपुरी संगीत महासंग्राम का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि टाउन में सिटीज़ में हमेशा ऑडिशन होती हैं, बड़े सिटीज़ में हमेशा ऑडिशन होती है, वहाँ के लोग हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, किंतु छोटे शहरों के लोग छोटे कस्बे के लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। तो हर वो छोटा शहर हर वो छोटा कस्बा हम टच करेंगे जहाँ पे हिडन जेम्स हैं, हमारी पॉलिसी है। सबसे पहले तो ये जो शो हो रहा है भोजपुरी में रियलिटी शो, अभी तक मतलब बहुत दिन हो गया होते आ रहा है लेकिन थोड़ी लेट से हो रहा है, तो हम लोग तो सपोर्ट करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोहतास जिला के सिंगर लोग और लोकल जितने सिंगर हो नहीं पहुंच पाते हैं बड़े बड़े शहरों में, बहुत सारा कारण होता है, चूँकि वो बहुत सिंगर ऐसे हैं जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास गाड़ी नहीं होती है, दूरी काफ़ी होती है, पहुँच नहीं पाते, लेवल नहीं होता उनका, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, तो इसलिए चुना गया है यहाँ। यदि अगर हमारे साहब जिला रोहतास में तो अच्छी बात है, और हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे इसका, और 21 जनवरी को रखा गया है, तो हम लोग सारे सिंगरों से चाहेंगे जितने भी हैं इधर के सब लोग आए और अपना अपना ऑडिशन दे उस दिन, जितना हो सके हम लोग सपोर्ट करें। ये ऑडिशन मोड से रखा गया है और इसमें सभी को मौका दिया जा रहा है कि अपने अपने टैलेंट्स को लेके वो आगे आए, जो भी इसमें बेस्ट पर्सन है हमारी उनके साथ पूरी शुभकामनाएं है कि वो विन करे, एंड लेट्स सी किस तरीके से प्रोग्राम मूव करता है। यहाँ करने का क्या उद्देश्य है डेहरी में, जैसे छोटे देखिए बड़े शहरों में हमेशा ही होता रहता है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं छोटे शहरों में तो आएगा ही नहीं कभी कोई भी इस टाइप का प्लेटफॉर्म, तो ऐसा एक जगह सिलेक्ट करना जो कि आज तक कभी सिलेक्ट नहीं हुआ है, और स्पेशली जैसे बक्सर हो गया या यूपी, इसके कुछ सेक्टर्स है वो ऑलरेडी बहुत फेमस है, बट रोहतास जिला आज तक मतलब यहाँ बहुत सिंगर्स हैं लेकिन इसको कोई आज तक सामने लेके नहीं आया कि हाँ ये भी एक जगह है जहाँ पे आपको सिंगर्स मिलेंगे और टैलेंट्स हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म देने का तरीका था कि जो सिंगर्स हैं कहीं हो कि मोटिवेशन बहुत डाउन हो गया तो वो मोटिवेट हो पाए इस चीज़ को देख के। थैंक यू।